दोस्तों, आपको प्रिज्म ऐप ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको नीचे प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो उस पर क्लिक करें। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है। अब वहाँ पर जाके आपको सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स दिख रहा है, जिसे मैं रेड लाइन में शो कर रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको जाकर प्लेन के ऊपर, ये मैंने अंडरलाइन किया है गोला में, ठीक है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा। दोस्तों, सबसे ऊपर जो मैंने बॉक्स दिखाया था, वहाँ पे क्लिक करने पे कुछ इस टाइप के आपको ऑप्शन दिखेंगे, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, प्लेन, पिरामिड, टेक्स्ट, ठीक है। उसी को फिर से आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे तीन प्रकार के ऑप्शन आपको दिखेंगे। मैं इनको तीनों को अलग अलग कलर में अंडरलाइन करके आपको दिखा रहा हूँ। पहला येलो में, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, फिर रेड में ये वाला ऑप्शन, और फिर ब्लू में ये वाला ऑप्शन, ठीक है। आपको प्लेन को आगे पीछे करना हो तो सबसे ब्लू वाला ऑप्शन क्लिक करना है। उसको 3D में इधर उधर हिलाना डुलाना हो तो रेड वाले पे करना है। वो सबसे पहले वाला ऑप्शन बॉक्स से आप इसके साइज़ को ऊपर नीचे या किसी भी टाइप से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं डेमो दिखाने जा रहा हूँ, आप देखिएगा, ठीक है। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पर क्लिक किया, ये हमने ब्लू वाले को खींचा तो इस टाइप से लंबा हुआ, रेड वालों को खींचने पे इस टाइप से लंबा हुआ। और ठीक है, अब सेकंड वाला ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हम इसको किसी भी प्रकार से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर नीचे, ये प्लेन किसी भी तरह से कैसे रोटेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट वाले ऑप्शन से हम इसे राइट, लेफ्ट और रेड वाले से ऊपर, आगे, पीछे और ग्रीन वाले से ऊपर, नीचे, हम इसे अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। टू फिंगर से ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। सिंगल से हम जैसे गेम वगैरह चलाते हैं उस टाइप से ये इंटरफेस चलेगा, ठीक है। अब हमने इस टाइप से इसे अपने सामने कर लिया है, ठीक है। अब इसी के ऊपर ये मैं सर्कल में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे या कहीं पे भी इस बॉक्स के ऊपर, प्लेन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये क्लिक करने पे लेफ्ट साइड में मटेरियल लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करते हैं। और जब हम टेक्सचर में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और प्लस आइकॉन है, यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो गैलरी ऑप्शन ओपन होता है, ठीक है। गैलरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे फोटोज अवेलेबल होंगे। अब ग्रीन ग्रास का इमेज डाउनलोड करके रखना, और गैलरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे उस इमेज को आप सिलेक्ट करना। तो मैं सिलेक्ट करके बताता हूँ, ये दोस्तों मैंने उसे इमेज को सिलेक्ट किया और ये कुछ इस टाइप से गार्डन बन गया है, ठीक है दोस्तों। अब ये इस टाइप का कुछ गार्डन बन गया है। ये आपका फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो था, तो ये हम आज गार्डन बनाना सीख गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट्स पे जाना और सेव कर देना, ठीक है। सेव करने के बाद आपके प्रोजेक्ट को 1, 2, 3, 4, मैंने आपको इस प्रोजेक्ट को 4 नाम देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मैंने 4 नाम दे दिए है और इसे मैंने लेफ्ट साइड में डन कर दिया है। ये सेव कर दिया, प्रोजेक्ट हमारा सेव हो चुका है। अब दोस्तों, आप वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा तो ही मैं अगला वीडियो तुरंत अपलोड करूँगा नेक्स्ट डे। तो आप सब्सक्राइब करिएगा, वेट करिएगा, ठीक है। आगे के स्टेप्स मैं बताऊँगा, इसमें कार्टून, फाउंटेन, सब कुछ मैं आपको बारी बारी से बनाना बताऊँगा। डेली एक नया वीडियो अपलोड करूँगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा और हर एक स्टेप को अंडरलाइन करके बताऊँगा, ऐसा नहीं को आप मिस कर दें किसी स्टेप को। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।